ओलावृष्टि या बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचता है तो किसान को अब प्रति हेक्टेयर 500 से 2000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसके साथ ही आउटसोर्स के तहत बिजली का काम कर रहे लाइन मैनों को भी 1000 रुपए जोखिम भत्ता मिलेगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बड़ा फसल मुआवजा 1 मार्च 2023 से लागू होगा। छोटे 2 हेक्टेयर तक और बड़े किसानों 2 हेक्टेयर से अधिक की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। वर्षा आधारित सिंचित और बारहमाही फसलों में मुआवजा बढ़ाया गया है। इस बार मार्च महीने में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इनकी वजह से इस साल अब तक 20 से ज्यादा जिलों में किसानों की 30,000 हेक्टेयर से अधिक फसल खराब हो चुकी है। लगभग 38,000 किसान परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक नुकसान रबी की फसल को हुआ है। दूसरे चरण में 26 फरवरी 2021 में बनी 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त 20 निकायों में 20 नए और 16 नगर निगमों के साथ पीथमपुर व मंडीदीप में कुल 25 नए संचालित दीनदयाल रसोई केंद्र खुलेंगे। इन केंद्रों में 10 रुपए में भोजन दिया जाता है। अब तक 1,62,00,000 थालियों का वितरण किया जा चुका है। वैजत एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे। भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।